नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल के लिए जनन ए रिपोर्ट। श्री महावीर मंदिर कोराइच में उमड़ा श्रद्धालुओं का भीड़। रोहतास से मनोज कुमार का रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम में स्थित श्री महावीर जी मंदिर कोराइच एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें आद्रा नक्षत्र में पड़ने वाले एक पखवाड़ा तक श्रद्धालु महिलाएं एवं पुरुष की काफी संख्या में भीड़ होती है। मान्यता है कि शादी होने के उपरांत लोग वधू को लेकर मंदिर में आते हैं एवं अपने घर से रोट बनाकर लाते हैं, जो भगवान हनुमान जी को चढ़ावा चढ़ाया जाता है तथा मंगलवार की कामना लोग करते हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन से महिलाएं एवं पुरुष बल की मांग की जाती है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। विधि है कि श्री महावीर मंदिर धार्मिक न्याय बोर्ड बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। भीड़ देखते हुए कमेटी के सभी सदस्य अपना समय मंदिर में देते हैं एवं शांतिपूर्वक पखवाड़ा संपन्न कराते हैं। महावीर मंदिर का प्रधान पुजारी श्री अजीत तिवारी, सहायक पुजारी श्री दिनेश चौबे, सहायक पुजारी श्री विनोद पांडे, अध्यक्ष सासारा में सीडीओ, उपाध्यक्ष विभूति नारायण दुबे, सचिव श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष श्री पारसनाथ खत्री एवं सभी सदस्य गण भी शामिल होते हैं। फिर राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल जगदूत न्यूज काम पोर्टल पर जगदूत न्यूज एजेंसी आपके साथ। रितेश राज वर्मा, स्टेट हेड, हैदराबाद। टीवी पर चलता है कि अखबार में है, पर हम देखने लगता है उसी समय सुबह में जब गाड़ी को लोग अपना उठाकर सोचे कि हम ले चले, तो गाड़ी का कोई गाड़ी तसमस से नहीं हुआ, तसमस नहीं हुआ। तो राजा का हनुमान जी स्वप्न दिए, ये राजा तुम यहीं पर मेरा स्थापना कर दो, हम यहीं से आप पर कृपा करेंगे। सहायक पुजारी विनोद पांडे, ये सासाराम महावीर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ लोग बहुत लोग आते हैं और मन्नत मांगते हैं, हनुमान जी मन्नत पूरा करते हैं।
ये जो मंदिर है तो शक्तिपीठ हनुमान जी मंदिर है, जो कि यहाँ नोगढ़ नोखा का राजा ये मंदिर का निर्माण किए हैं, और राजा यहाँ से ले जा रहे थे वन से, जो कि वन में हनुमान जी का प्रतिमा मिला था, और राजा बैलागाड़ी को लदवा कर ले जा रहे थे नोखा, और रात में यहीं पर मैं अश्वनी कुमार सिन्हा, सचिव महावीर जी मंदिर पुराई। यह मंदिर बिहार सरकार धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत आता है। बहुत से पूजा पाठ यहाँ होते रहती है सालों भर, लेकिन आद्रा नक्षत्र में एक पखवारा जो नई नवेली शादी हुई दुल्हनों को लेकर आते हैं महिला पुरुष, और अपने घर से रोट प्रसाद के रूप में बनाकर लाते हैं। बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आस्था के साथ लोग यहाँ मंदिर में आते हैं और रोज चढ़ाते हैं। महिला की संख्या काफी होती है। यह पखवारा भीड़ को कंट्रोल करने हेतु कमेटी द्वारा पुलिस बल की मांग की जाती है, जहाँ प्रशासन हर साल मंदिर को सहयोग देती है, महिला और पुलिस बल भेजती है, ताकि भीड़ भाड़ में कोई अप्रिय घटना न घटे। कमेटी के सदस्य सभी अपना समय देते हैं सवेरे से शाम तक, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और शांतिपूर्वक सभी अपना पूजा पाठ संपन्न कर सके। विदित हो कि यह मंदिर के अध्यक्ष सिविल SDO सासाराम है, जिनके द्वारा हम लोग विधि व्यवस्था के हेतु हमेशा पुलिस की मांग करते हैं, और जब जब जरूरत पड़ती है अध्यक्ष सिविल SDO हम लोग को मदद करते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। रामनवमी, आद्रा नक्षत्र, जन्माष्टमी, अन्य पर्वों में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। रामनवमी, चैत्र रामनवमी में, और यहाँ जग भी कराया जाता है, जिसमें कम से कम 10,000 से 20,000 लोगों का प्रसाद खाने लोग आते हैं। जग भी 7-8 दिन का जग भी होता है, और यह टोटल आम जनता के सहयोग से, दान से जो प्राप्त आय होती है, उसी से इस मंदिर का विकास एवं होता है, एवं भोग भगवान का लगाया जाता है। यहाँ 7 कर्मचारी है, जिसमें 3 पुजारी के रूप में है प्रधान पुजारी, और 2 सहायक पुजारी, और 4 कर्मचारी हैं जो साफ सफाई के लिए रखे गए हैं। ये सभी दान पेटी से प्राप्त आय से ही इन लोगों का वेतन का भुगतान किया जाता है।